जबलपुर में गुरुवार की शाम की हुई तेज बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। गंगानगर कॉलोनी के हर घर में 1 से 2 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह मौके का जायजा लिए और अधिकारियों को तत्काल पानी निकालने के निर्देश दिए। इस दौरान हमारे संवाददाता ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से खास बातचीत की, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जबलपुर में मानसून का दौर शुरू हो गया है और मानसून के पहले ही बारिश में आधा घंटे की एक बारिश हुई है, जिसमें जो है हालात बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। कह सकते हैं कि ये जो डूब का क्षेत्र कहा जाता है जबलपुर के पश्चिम विधानसभा अंतर्गत गंगानगर क्षेत्र, यहाँ पर फ्लो आप देख सकते हैं कि हम फ्लो दिखाने की कोशिश करेंगे कि फ्लो आप देख सकते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक नदी जो है वो बहती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह जी, हम उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब बात करें, आज जिस प्रकार के हालात बने, क्या स्थितियाँ आप देख पा रहे हैं? ये स्थितियाँ सामने हैं, पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों के अंदर पानी है, सड़क पे पानी है और ये नाले का पानी है। और ये स्थिति अभी की नहीं है, यहाँ के लोग बता रहे हैं यहाँ वर्षों से ये स्थिति बनती है। अभी थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया, अन्यथा यहाँ घरों में पानी आना सामान्य बात है पिछले अनेक वर्षों से। लेकिन इसका स्थायी समाधान की दृष्टि से जो होना चाहिए था व्यापक सोच के साथ में अभी तक नहीं हुआ है। विशेषज्ञ हैं वही निकालेंगे, उन्होंने इस पर ये जानकारी ली है, उन्होंने कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है ऐसी स्थिति बनाने के लिए इन सभी को कहा है। तो लोगों को कम कठिनाई का सामना करने के लिए एक हल निकाला जा रहा है और यही कारण है कि अब यहाँ पर जो है जो बरसों पुरानी एक समस्या है इसका स्थायी निदान करने की भी बात की जा रही है। अब देखना ये होगा कि वो स्थायी समाधान कब तक निकल पाता है। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7।